जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो टेबल में मजीद कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जैसे इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर, तो हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मिलता है, सपोज टू बी ये टेबल वगैरह हम इसके ऊपर बना रहे होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स को हम कर रहे होते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये डिफरेंट रोज इसके अंदर ऐड हो रही है और ये डिफरेंट कॉलम्स हम इस तरह से ऐड करते जाते हैं। एक तरीका इसमें टेबल में ये भी है टेबल बनाने का, जिसको हम पहले से प्रीफिक्स कहते हैं, कि इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर दें। मतलब आपको कॉलम्स कितने चाहिए, सपोज टू बी 4 कॉलम चाहिए और 6 रोज चाहिए, तो यहाँ पे पहले से लिख दें। तो जैसे ही आप लिख देंगे और ओके करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 कॉलम और 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका जैसे हमने कल बताया था आपको कि इंसर्ट में जाके क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर और डायरेक्टली इस तरह से और इस तरह से जितनी रोज चाहे और कॉलम्स चाहे बना सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये है, मिसाल के तौर पे ये टेबल जो आपने बनाया, अगर इसको मॉडिफाई करना हो तो कैसे मॉडिफाई करेंगे। कल मॉडिफाई के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया है, तो अगर इसके अंदर कोई रो ऐड करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जाएंगे लेआउट में और यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट ब्लू करेंगे तो नीचे रो ऐड हो जाएगी, और अगर यहीं क्लिक करके इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर कॉलम ऐड कराना हो तो अगर यहीं क्लिक करके इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर यहीं पे क्लिक करके इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह डिलीट करना बताया था कि क्लिक करेंगे कहीं भी कॉलम पर तो डिलीट में जाके यहाँ से डिलीट कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर भी जाकर डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रो करेंगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और यहाँ पर भी क्लिक करके डिलीट रो करेंगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और फिर ये बताया था कि ये टेबल जो अगर आपका सुकड़ गया है, थोड़ा पेज के छोटा हो गया पेज के हिसाब से, तो ऑटोफिट में जाके ऑटोफिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो पे फैल जाएगा, और अगर ऑटोफिट पे जाके कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर ऑटोफिट विंडो करेंगे तो दोबारा विंडो पे फैल जाएगा। इस तरह से अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी रो की हाइट कम ज़्यादा यहाँ से की जा सकती है और किसी भी कॉलम की चौड़ाई कम ज़्यादा यहाँ से की जा सकती है, ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट कल हमने कवर किए थे। आज हम देखेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट जिसके नीचे लिखा हुआ है पैनल के नीचे मर्ज, MERGE मर्ज। मर्ज क्या होता है? मर्ज माने मिला देना, मतलब आपके पास दो कोई भी ऑब्जेक्ट थे और उन ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से मिला दिया, ये मर्ज हो गए। मतलब इस तरह मर्ज हो जाए, वो मिल जाए एक दूसरे में कि वो एक ही लगे, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, यहाँ पे मर्ज क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आगे मर्ज सेल्स और स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। मर्ज सेल का क्या मतलब हुआ भाई, सेल किसे कहते हैं? देखो ये जो एक बॉक्स है इसको हम क्या कहते हैं, CELL सेल, तो जमा में क्या बन गया, सेल्स बन गया। अब आपने कोई भी दो या दो से ज्यादा सेल्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर मर्ज करना है तो कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे 1, 2, 3 सेल को मर्ज करना है, तीनों को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, मर्ज हो गया, ठीक है। 1, 2 रोज को मर्ज करना है तो सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। 1, 2, 3, 4 को मर्ज करना है तो ये देखिए इस तरह से मर्ज कर दिया। तो ये इस तरह से मर्ज करके आप काफी सारे सेल्स को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। अब जब सेल इतना बड़ा हो जाएगा तो अगर उसके अंदर आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, अब जो भी टेक्स्ट आपने इसके अंदर लिखा तो आपको जरूरत पड़ेगी उसकी अलाइनमेंट की। यूजुअली आप अलाइनमेंट तो कर रहे होते हैं राइट लेफ्ट और सेंटर, लेकिन ये तो टेक्स्ट नॉर्मल पेज के लिए अलाइनमेंट है। अगर आप मजीद अलाइनमेंट देखना चाहते हैं तो लेआउट में जाएंगे, ऐसा सेल जो बड़ा हो साइज में और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो, उसकी अलाइनमेंट करनी हो तो यहाँ से टॉप सेंटर टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर बॉटम राइट, और ये हो गया सेंटर लेफ्ट सेंटर 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 राइट। तो इस तरह से टेक्स्ट को आगे पीछे अपने हिसाब से स्पेसिंग के हवा से मूव कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट की दूसरी चीज इसके अंदर आती है टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेल के अंदर विदाउट सेल नहीं, तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट सपोज इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और लेट सपोज दोबारा से इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमारे पास आता है अगला ऑप्शन स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल देखिए, स्प्लिट माने होता है दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, दो हिस्सों में काट देना। तो स्प्लिट सेल, सेल को दो हिस्सों में कैसे काटेंगे, लेट सपोज ये सेल आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना था, दो हिस्सों में डिवाइड करना था स्प्लिट सेल। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें जहन में ये रखनी है बात कि नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम्स में आपने क्या बताना है, मशीन का ख्याल रखना, ठीक है, नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या बताना है। तो नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ कॉलम्स में ये बताना है इसके अंदर
कि देखिए रो तो अगर एक है तो एक से ज्यादा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अगर कॉलम उसमें एक है तो उसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दो हिस्सों में करना चाहता हूँ तो दो और तीन हिस्सों में करना चाहता हूँ, तो तीन नंबर ऑफ कॉलम्स में हम लिखेंगे और उसको ओके करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ओके करने पर ये हमारे हिसाब से तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल्स पर और उसको तीन से चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो ये चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल्स पर और उसको छह हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो ये छह हिस्सों में भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ स्प्लिट सेल पे क्लिक करके अगर नंबर ऑफ रोज को हम यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखें तीन रोज और दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को किस तरह से मैनेज करना है। स्प्लिट सेल और मर्ज सेल, मर्ज सेल से क्या होगा, ये सारे सेल मिलके अगर हम मर्ज कर देंगे तो एक सेल बन जाएगा। स्प्लिट सेल से क्या होगा कि अगर हम इनको जितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहें और यहाँ पे जितनी रोज हैं उसके हिसाब से डिवाइड करना चाहें तो उतने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप गलत रोज की एंट्री करेंगे तो ये आपको कहेगा भी द नंबर मस्ट बी अ डिवाइडर डिवाइजर बाय फोर। तो इसका मतलब या तो यहाँ पे फोर लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर लिख सकते हैं, वन और थ्री नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ फोर लिखते हैं, ओके करते हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उतने क्रिएट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। अब ये कह रहा है टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। कैसे करेंगे, लेट्स सपोज रो नंबर फोर से हम क्लिक करते हैं स्प्लिट टेबल पे, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। रो नंबर टू पे स्प्लिट टेबल करेंगे यहाँ पे जाके, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। रो नंबर फाइव पे क्लिक करके लेआउट पे जाके स्प्लिट टेबल करेंगे, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप टेबल्स को भी अलग अलग कर सकते हैं। अब ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल है। अब इन टेबल को वंस अगेन ज्वाइन करता हूँ आपस में, तो हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे, तो ये देखें ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा। क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे। फिर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये फिर आपस में ईजिली जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप टेबल को सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद उनको स्प्लिट कर सकते हैं और उनको आपस से स्प्लिट भी कर सकते हैं। और अलाइनमेंट भी आप यहां से कर चुके, टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप कर चुके, और इसके अलावा डिलीट रो, डिलीट कॉलम और फाइनली डिलीट टेबल भी आप यहां से कर सकते हैं। समझाने का मकसद ये है कि कोई भी गलती हो जाए टेबल करने के दौरान, मिसाल के तौर पर आप करते करते ऐसे दब गया, अब ये डिलीट हो गया, आपको तो पता ही नहीं चला। अब हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि वो दोबारा से इस चीज़ को बना रहे होते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका है अंडू करें इसको आप। जैसे ही अंडू करेंगे वो आपका पिछला वाला जो काम था वो वापस आपका रिवर्स हो जाएगा। इसको हैंडल करना सीखें। फिर टेबल डिजाइन के अंदर कल आपको बताया था डिजाइन को अप्लाई करना, तो यहाँ से आप कोई भी मजे का डिजाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से जाके प्लेन टेबल कर सकते हैं। याद रहे फिर से मर्ज माने मिला देना, उसके लिए तीन चार सेल को सेलेक्ट करना होगा, दो या तीन या चार। स्प्लिट माने डिवाइड कर देना, उसमें किसी भी एक सेल को डिवाइड करना होगा जितने पार्ट्स में आप चाहते हैं। उसके बाद स्प्लिट क्या है, टेबल, उसके बाद टेबल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक टेबल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के मामला आप कर सकते हैं। इवन एक और एग्जाम्पल को समझ लें, एक टेबल हमने बनाया यहाँ पे जिसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, लेकिन आपको लगा कि नीचे वाले कॉलम कुछ कम होने चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक दो तरीके। एक और तरीका ये है कि एक आप दूसरा स्ट्रक्चर वाला टेबल नीचे बना लें और फिर बीच में क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दें तो वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि अगर हम ये करते कि इस टेबल को बीच में से स्प्लिट कर देते या इस पर थोड़ी सी रोज को और ऐड कर देते यहाँ पे नीचे की तरफ इंसर्ट ब्लो करके, और यहाँ से इसको स्प्लिट कर देते और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से जो बाकी इसकी रोज थी उनको सेलेक्ट करके लेआउट में जाके डिलीट कर देते, और उसके बाद जो एक रो बन रही थी उसको हम जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी इस तरह से मॉडिफाई कर देते। और मॉडिफाई करने के बाद फिर हम उसके बाद जो इसके अंदर मजीद रोज ऐड करानी थी वो भले नीचे ऐड कराएंगे तो टेबल ऊपर वाले पैटर्न को ही नीचे फॉलो करेगा, ये देखिए। उसके बाद जब डिलीट का बटन बीच में दबाते तो भी ये इसे जोड़ के एक टेबल बन सकता था। तो इस तरह आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप डिफरेंट स्प्लिट टेबल करके यहाँ से इसको स्प्लिट कर दें, इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर दें, इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर दें। अब इनके बीच के गैप को कम करने का क्या तरीकेकार है, भाई गैप कम करना है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाके रिमूव स्पेस पैराग्राफ खत्म कर दें, वन लाइन का गैप कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके नो स्पेस पे क्लिक करते जाएं डायरेक्टली, तो ये बीच के गैप कम होते चले जाएंगे।
और मजीद गेप कम करना है, बिल्कुल क्लोज करना है, तो क्या करना है, बीच में रखकर फॉन्ट के साइज को रिड्यूस करना है, इससे भी गेप कम हो जाएगा इनके बीच का, ये देखिए, और एक अच्छा सा डिजाइन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो टेबल के हवाले से कमांड्स को आपने करनी है परफॉर्म, और इनको करके अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको जो अगला असाइनमेंट दिया जाए वो आप इजीली कर सकें।